हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेफ्टॉल पी सस्पेंशन के बारे में। इसे मैन्युफैक्चर करता है ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें कंटेंट है मेफेनिक एसिड 100 mg पर 5 ml। तो दोस्तों ये मैंगो फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और इसे दोस्तों डॉक्टर बच्चों को कब प्रेस्क्राइब करता है और कितने समय के लिए प्रेस्क्राइब करता है, इसका कम्प्लीट डोजेस क्या है और इसके साइड इफेक्ट और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके प्राइस क्या है, तो कम्प्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों जो मेफ्टॉल पी सस्पेंशन, इसमें जो कंटेंट है मेफेनिक एसिड, इसका मेन काम है ये बिलोंग करता है एनसेड मॉलिक्यूल से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो इसका मेन काम है दोस्तों कि ये पेन किलर के रूप में भी काम करता है और एंटी इंफ्लेमेशन के रूप में भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है और ये बॉडी टेम्परेचर भी कम करता है और ये साथ में रेडनेस और स्वेलिंग भी कम करता है। तो दोस्तों इस तरह से मॉलिक्यूल काम करता है मेफेनिक एसिड। ये डॉक्टर तभी प्रेस्क्राइब करता है जब बच्चों के अंदर बुखार हो, साथ में उसे दर्द हो, महसूस हो रहा हो, तब ये डॉक्टर तभी प्रेस्क्राइब करता है बच्चों में। जब बच्चे हमेशा रोते रहते हैं दर्द के वारे से, तो बच्चे को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो बच्चे भी बहुत इसे एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि मैंगो फ्लेवर में। दोस्तों ये मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप खुद से लेते हैं तो हो सकता है इसका साइड इफेक्ट देखने को मिले। इसके दोस्तों जो साइड इफेक्ट है, इसमें साइड इफेक्ट ये है कि बच्चों को ओमेटिंग हो सकती है और उसका पेट दर्द हो सकता है, उसका कच्ची ढिकार आ सकती है, उससे थोड़ा सा स्लीपनेस बढ़ सकता है। तो ये इसका जो साइड इफेक्ट है टेम्परेरी है, बॉडी जैसे एडजस्ट करती है, ये खत्म हो जाता है। अगर नहीं खत्म हो रहा तो दोस्तों अपने डॉक्टर को एक बार जरूर इसके बारे में बताएं। दोस्तों इसके डोजेस के बारे में बताएं, तो जैसे डोजेस है ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जब डॉक्टर जो बोलते हैं कि जब पेशेंट को, जब बच्चे को बुखार रहे या उसको बॉडी दर्द हो रहा है तभी इसे दिया जाए, अन्यथा इसको न दिया जाए। और दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस है 60 ml के लिए 33 rupees। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि मैंगो फ्लेवर होने के कारण और साथ में इसका जैसे ही आप बच्चों को देते हैं और उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है मैंगो फ्लेवर के कारण, और साथ में यह होता है कि जब बच्चे इसे लेने स्टार्ट करते हैं, जब इसे बच्चों को दिया जाता है तो उसको एक 10-15 मिनट में बच्चों इसका रिलीफ मिलने लगता है। इसके डोसेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो डोसेज जो इसका डिपेंड करता है बच्चों की सीवियरिटी के ऊपर कि बच्चों को कैसा बड़ा या छोटा है। अगर इन्फेंट है तो उसको 2.5 ml ट्वाइस दिया जाएगा अगर उसको बुखार है तभी, अगर उससे 6 महीने से बड़ा है तो उसे भी 2.5 से उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और भी बुखार के बारे में मेडिसिन और दर्द के बारे में मेडिसिन को देखना चाहते हैं तो राइट साइड हैंड में जो प्लेलिस्ट है उसे प्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।